तो मोबाइल रिपेयरिंग के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मोबाइल की डिस्प्ले व्हाइट हो गई है, ब्लू हो गई है या डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है, एंड्रॉइड मोबाइल हो या कीपैड मोबाइल, तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है। तो हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, डिजिटल मल्टीमीटर, ब्रश, LED खराब, इसके बाद IPA, पेस्ट, जम्पर वायर और एक सोल्डिंग मशीन। अब मान लीजिए कि इस मोबाइल में डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है, डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही मतलब कि नो डिस्प्ले, तो नो डिस्प्ले पे नो लाइट डिस्प्ले, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे पावर लगा के ऑन करके देखेंगे, और इसके बाद इसका ये जो बैक पैनल है इसको हम यहाँ से निकाल के देखेंगे। इस तरह से ये यहाँ से अलग हो गया, इसको मैंने यहाँ से ऐसा होता है यहाँ से मैंने अलग कर दिया इसको। अब क्या किया, अब अगर ऑन करेंगे और इसके पीछे टार्च लगाएंगे या कोई मोबाइल की लाइट लगा के, तो इस पे अगर डेटा आएगा तो हमको दिखाई देगा। डेटा अगर आ रहा है इस पे बट लाइट नहीं जल रही है, तो लाइट इसके इस पीछे वाले सेक्शन में रहती है, ये लगी हुई थी इसकी LED। तो हम ये LED चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये खराब हो गई है। उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमको सोल्डिंग करनी रहेगी। आप हमने पेस्ट लगाया, पेस्ट लगा के ऐसे किया, और इसके बाद हमने ये सोल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। यहां से हम सोल्डिंग कर सकते हैं, सोल्डिंग करने के बाद अब भी फिर हम ऑन करके देखेंगे तब भी लाइट नहीं जल रही है। तो फिर हम क्या चेक करेंगे कि कीपैड की लाइट तो जल रही है बट इसकी लाइट नहीं जल रही, लेकिन लाइट का कनेक्शन इसका यहां से होता है, इससे ये पट्टा अलग लगा होता है, यहां से कनेक्शन दिया जाता है। इस पे चार पॉइंट होते हैं यहाँ पे, और इस पे कोडिंग दी गई होती है A K K K। ए का मतलब एनोड का मतलब प्लस, ये सिरा प्लस हो गया। अब बात बाकी जहां पे के लिखा होता है मतलब कैथोड, मतलब कि माइनस, वो तीन सिरे माइनस होते हैं और एक सिरा प्लस होता है, मतलब प्लस की सप्लाई एक वायर से जाती है और तीन जो पॉइंट होते हैं यहाँ से वो माइनस की सप्लाई लेके जाते हैं यहाँ से। तो अब वो कनेक्ट कहां से है, इस PCB में यहाँ से, इसलिए पहले यहाँ पे सोल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो वो हमें चेक करना कि ये कनेक्शन हमारा सही है या नहीं है, नहीं है तो हम कनेक्शन को चेंज करके जम्पर लगा सकते हैं, बदल सकते हैं या फिर हम सोल्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे LED, ठीक है। तो LED को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करेंगे, सेट कर दिया। इसके बाद हम कोई भी LED चेक करेंगे, तो ये काली वाली प्रॉब एक इस साइड लगाई मैंने और इस साइड लगाई, फिर पलट के लगाई, ये लाइट जलने लगी है। फिर इसको हम चेक करेंगे, तो देखिए इसका जो प्लस सिरा होता है, प्लस पे प्लस लगाया, माइनस पे माइनस लगाया और ये LED जलने लगी, जल रही LED। तो ऐसे आप करके LED भी चेक कर सकते हैं। ये LED शॉर्ट है, बीप कर रही है आपस में। अब हम दूसरी डिस्प्ले लेते हैं, दूसरी डिस्प्ले, तो उसकी LED चेक करते हैं। तो अगर किसी की LED खराब है तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं उसको निकाल के। देखो ये तीन LED इसकी जलने लगी, इतनी सारी ये एक सीरीज में है, तो LED ये काम कर रही है, जल रही है, ये प्रकाश तो होने लगती है। तो इस तरीके से हम LED भी चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम ये पूरा पट्टा यहाँ से एक किसी दूसरे मोबाइल से निकाल के लगा सकते हैं, खराब डिस्प्ले से। ये LED का सेक्शन अलग होता है, यहाँ से अलग हो गया, तो ये वही पट्टा है, यहाँ पे एनोड और कैथोड लिखा रहता है। तो ये कई सारी LED लगी हैं, इनकी वजह से लाइट की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। अब अगर इन पे सप्लाई नहीं आ रही है, आपको पता भी नहीं सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मोबाइल की जो कीपैड की लाइट होती है चलती है LED, तो उससे आप प्लस जो लिखा होता है यहाँ से, प्लस से एनोड पे सप्लाई जोड़ सकते हैं जम्पर वायर, और माइनस से कैथोड पे जोड़ सकते हैं, तो ये लाइटें जलने लगेंगी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। तो अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इसमें से प्लस सिरा कौन माइनस सिरा कौन है। जैसे ही आप लगाओगे प्लस वाले पे प्लस लगाओगे, लाल सिरा रेड प्रॉब, और ब्लैक वाले पे तैसे देखो ये प्रकाशित होने लगती है, जलने लगेगी। तो ये मतलब LED सही है, प्लस सप्लाई यहाँ पे मिलेगी, माइनस सप्लाई यहाँ पे।
तो यहाँ की सप्लाई प्लस वाली जाएगी एनोड पे, माइनस वाले की कैथोड पे, उसका कनेक्शन वहाँ से अलग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। अब नंबर दो पे आते हैं, व्हाइट डिस्प्ले और ब्लू डिस्प्ले की प्रॉब्लम। तो व्हाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम आ रही, तो ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ से होती है, इसी के कनेक्शन से, क्योंकि अगर यहाँ से अगर हमने डिस्प्ले निकाली है तो हमारे पॉइंट पे डिस्प्ले सही से सोल्ड नहीं होती है, या फिर इन पे कार्बन आ गया है, पानी जाने की जैसे प्रॉब्लम आती है, तो हमें सही से ये डिस्प्ले को ये सोल्डिंग करनी रहेगी, फिर भी नहीं आती है तो हम डिस्प्ले को निकाल के दोबारा से सोल्ड करेंगे। फिर भी डिस्प्ले अगर व्हाइट आ रही है या ब्लू आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी डिस्प्ले बदल के देख लेंगे, डिस्प्ले चेंज करके देखेंगे। इसके बाद भी अगर डिस्प्ले नहीं आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बैक साइड में इसकी जो सीपीयू और ऐसी पावर ऐसी जो लगी होती है इस पर हम नॉर्मली हीट देंगे, तब भी नहीं आ रही तो फिर हम इसके बाद चेक करेंगे कि इसके पास कोई कंपोनेंट तो नहीं, कोई टूटा हुआ है, कोई कंपोनेंट मिस है, उसकी जैसे डेटा जो है वो डिस्प्ले पे पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो कंपोनेंट अगर टूटा है तो चेंज करेंगे। अगर फिर भी डिस्प्ले नहीं आएगी तो फिर हम ये सीपीयू आईसी पावर आईसी, क्योंकि जो चाइना वाले मोबाइल उनमें एक ही आईसी लगी होती है, वही फ्लैश, वही चाइना, वही पावर आईसी, सारी आईसी उसी के अंदर इन्वॉल्व होती है, तो हमें वही पावर आईसी मेन आईसी को रिवॉल्व करके लगाना पड़ता है, या फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने मोबाइल की ब्लैंक डिस्प्ले, ब्लू डिस्प्ले या लाइट नो लाइट डिस्प्ले हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, कीपैड हो या फिर एंड्रॉयड मोबाइल हो आपका। ओके।